अच्छा तो चलता हूँ। शाम को जल्दी घर आना। अरे क्यों नहीं, पिछले 40 साल से कभी 1 मिनट भी देरी से आया हूँ क्या? फिर भी एक ही सवाल। आपको तो जैसे घड़ी की कांटे के साथ जीने की आदत जो पड़ गई है, तो मुझे भी ये रोज प्रश्न पूछने की आदत पड़ गई है। जानते हो, काम पर जाते हुए पति को रोज रोज सवाल पूछ के हर एक पत्नी को एक प्रकार का संतोष नहीं होता है। इसी प्रश्नों के सहारे वो घर में पूरा समय निकाल देती है, और पति की गैर हाजिरी को ऐसे ही जानकर खुश तो नहीं होगी ना? ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा तो कहेंगे ये पति पत्नी। आप तो बहुत ही बेशरम है। कैसे हैं मास्टर जी? हाँ ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे कितना बजा? 10:10 हो गए हैं। गली में देखे भी नहीं, गप्पा मार रहा? अरे दिखाई नहीं देता, मास्टर जी जा रहे हैं। मास्टर दीनानाथ जी के कदम मतलब घड़ियों के 2 कांटे। अरे दीपक क्यों यहाँ पे बैठे हैं? पाठशाला नहीं आना है? चलो पाठशाला का समय हो गया। कैसे आऊँ मास्टर जी, पिछले 6 महीने से मेरी फीस नहीं भरी गई। इस बार तो हेडमास्टर साहब ने कहा है अगर तुमने फीस नहीं भरी तो तुम्हारा नाम स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर तूने फीस क्यों नहीं भरी मास्टर जी? जब से मेरे पिताजी के खटारे के नीचे हाथ कट गए हैं ना, तब से उन्हें कोई काम नहीं देता। मेरी माँ जैसे तैसे करके जो कुछ भी कमाती है उसमें से मुश्किल से हम एक वक्त का खाना खा पाते हैं। देख दीपक तू फिक्र मत कर, कल तक तेरी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। चल मेरे साथ। चल दीपक चल चल। क्या सेठ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा तो ठीक चल रहा है हाँ, पर ये मेरा लड़का टेढ़ा चल रहा है। क्या हो गया, अपने बाप का जैसा मोटा हो रहा है? पढ़ाई में ध्यान देता है कि नहीं? अरे 6 साल से 6ठे ही धोरण में वो है। तो वैसा ही है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। याद है ना तुझे, तू 5वीं में 5 बार फेल, तेरा बाप तुझे कैसा धुलाई करता था। अरे पर उसका अभी क्या। क्यों बेटा, आगे पढ़ना है कि नहीं? नहीं नहीं पढ़ना, मुझे इसे पढ़ाने का भी नहीं है। अरे भाया यहाँ तो मुद्दल भी ठीक है और ब्याज भी ठीक है। मामा इस लड़के को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि बेटे को जिंदगी भर काम आए। अरे जैसा बाप वैसा बेटा होगा ना, क्या समझे। मगर इसको अभी से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये तेरे जिंदगी भर काम नहीं आएगा। मैं इसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि इसकी जिंदगी बदल जाएगी। चल बेटा, और सेठ तुम भी मेरे साथ चलो। चलो चलो। अरे ये तो चाय पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा चाराना हो गया सेठ जी, कुछ समझे कि नहीं सेठ जी? आइए चले चले। अरे आपका ये पेट तो दुनिया का 8वां अजूबा लग रहा है। शाबाश बेटा, समझ गया ना क्या बोला मैंने, अब चढ़ जा छत के ऊपर। अरे अरे पर ये क्या कर रहे हो भाया, ये मेरा एक लौता लड़का, इसलिए तो छत पे चढ़ा रहा हूँ। शाबाश, हिम्मत है खुदा तो मदद है मामा, चिंता मत करो, मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा है, चढ़ गया बच्चा। शाबाश मामा। मेरा बेटा मामा। क्यों निकाले? अरे ये क्या कर रहे हो मामा। समझ गए ना, वैसे भी तुम्हारा बेटा मरद का बच्चा है। साबस बेटा, अब ऊपर से नीचे कूद जा। ना मामा, मैं अगर नीचे कूदूंगा तो सीधे ऊपर चला जाऊंगा। अरे ऊपर नहीं जाएगा बेटा, तू अपने बाप का एक ही मुद्दल बगैर ब्याज का है। अरे अपने बाप के पेट के ऊपर कूदी मार, तेरा बाप अपने आप को कंट्रोल करके तुझे घेर लेगा। डर मत बेटे, मैं तुझे पकड़ लूंगा बेटे, आ जाओ। मेरा पैर टूट गया, मुझे क्यों नहीं पकड़ा पिताजी? मामा को पूछ। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, भले ही तेरा पैर टूट गया मगर तूने आज क्या सीखा? कि जिंदगी में सगे बाप का भी मत सुना। शाबाश, देखा ना आगे ना लाइन पे। छोटू सुना है कि तुम्हारी वजह से अमीरचंद के बेटे का पैर टूट गया? कौन बोला? तुम्हारे ऐसे पागल सलाह से किसी को एक दिन तुम मरवा दोगे। अरे बहन मेरी सलाह से तो लोगों को फायदा होता है।
हाँ 6 बज गया, अभी अपना गपशप बंद करना पड़ेगा, मास्टर जी के आने का वक्त हो गया। अरे आ गए। रमा तू मुझे कहती है पर तुझे भी मेरे जैसे घड़ियाल के कांटों के साथ जीने की आदत पड़ गई है। पति के संसार के साथ ताल न मिलाने वाले पत्नी का संसार बिगड़ जाता है। क्यों भाई छोटू? हाँ। मजे में है ना? मजे में। अरे चाय तो पी लो, काली पड़ गई है। रमा तेरे पास कुछ पैसे बचे? सबके बिल चुका कर 50 रुपए बचे होंगे, पर आपको ऐसे पैसे की जरूरत क्या पड़ी? मेरा एक विद्यार्थी दीपक, उसके बाप का हाथ कट गया की वजह से 6 महीने से फीस नहीं भर पाया। इसका मतलब पूरा महीना बिना सब्जी के चला कर वो पैसा उसे देना चाहते हो? रमा हम तो सिर्फ बिना सब्जी के रहेंगे, पर एक होशियार विद्यार्थी बिना पढ़ाई के रहेगा कैसे चलेगा? ठीक है सुबह ले जाना, नहीं भरेंगे तो क्या होगा? नहीं रमा, मैं भरूंगा तो दीपक के बाप की इज्जत जाएगी। मैं अभी उसके घर पे जाके देख के आता हूँ। मास्टर साहब, उस बच्चे के बाप का नाम रामू है क्या? हाँ छोटू। चलो अब पूरा महीना ठन ठन गोपाल। कौन गोपाल? एक काम करना बहना, आने वाले महीने में एक साथ पूरे महीने का सब्जी तरकारी खरीद लेना। दीपक बापू, मास्टर जी आए हैं। पधारिए मास्टर जी, पधारिए। भाई रामू, मैं एक खास काम से आया हूँ। प्रार्थना करता हूँ सर जी, मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए। पैसा का बंदोबस्त होते ही मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा फीस का। मैं अभागे अपने बेटे को ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ, स्कूल से इसका नाम मत काटना सर। आप उल्टा समझे हो दीपक, आप कुछ बोला नहीं लगता। मैं पैसे लेने नहीं, देने आया हूँ। लो हा? ये रख लो। नहीं नहीं सर। रख लो। नहीं, इसमें से दीपक के साथ कल फीस भिजवा देना। ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ सर कि मुझे आपके रूप में उन्होंने एक भगवान भेज दिया है। मेरे हाथ नहीं हुए तो क्या हुआ? शांत हो जाओ रामा, देखो आप ही हिम्मत हार जाओगे तो दीपक को कौन ध्यान रखेगा। शांत हो जाओ। कौन है साला? साला तो हूँ सच है, मगर मास्टर जी का। अरे छोटू मामा, आप फिर से पाठशाला में दाखिला लेने की इच्छा है क्या? अरे भाई मैं तो तुम्हारे हेडमास्टर को भी पढ़ाने के काबिल रखता हूँ, समझा? अरे मैं तो यहाँ जानने आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ विद्यार्थी है ना दीपक राम पंचाल, उसके पूरे साल का फीस कितना होगा? पर उसकी तो 6 महीने की फीस हो गई है, और अगर उसकी फीस आज नहीं भर दी गई तो उसे निकाला जाएगा। कोई जरूरत नहीं काटने की, इस स्कूल में किसी को भी तुम फीस के लिए निकालते हो तो मैं तुम्हें पूरे गाँव से निकाल दूंगा, समझ गए? ये लो दीपक के पूरे साल का फीस भर देना। पर पूरे साल की फीस क्यों? इसलिए कि पूरे साल दीपक का नाम न कट जाए, इसलिए, समझ गया? मास्टर जी ये लो आपके पैसे। क्यों? मेरी तो पूरे साल की फीस भरी हुई है। पूरे साल की? हाँ। किसने भरी? छोटू मामा ने। ओ साहब, हेडमास्टर बुला रहे हैं। हाँ साहब, मुझे बुलाया? आइए आइए मास्टर जी। दीनानाथ जी, आपकी सेवा लगन मेहनत देकर हम बहुत ही गर्वित हैं, मगर कानून कभी किसी का सगा नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे सिफारिश को नकार कर स्कूल आपको रिटायरमेंट देने का घोषणा कर चुका है। क्या हुआ दीनानाथ भाई? कुछ नहीं साहब, ये तो भाग्य का खेल है। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको आपका मकान भी खाली करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा साहब? इतने विद्वान होकर इतने घबरा क्यों रहे हैं मास्टर जी? आपके तो दो दो होनहार लड़के हैं,
साहब, छत तो लोगों को ढकती है सुना है, पर छत को कौन ढकेगा? ठीक है साहब, मैं थोड़े दिनों में मकान खाली कर दूंगा। दीनानाथ भाई, हमने आपके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, आप और आपकी पत्नी आकर हमारा मान रख लीजिए। साहब, आशा तो ये रखी थी कि एक दिन इस पाठशाला में मेरी शोक सभा रखी जाएगी, परंतु जाने दो, आभार। ये भी तो एक प्रकार की विदाई है। नमस्ते साहब, आज मास्टर साहब को ढीले लग रहे हैं। हाँ, आज इनकी चाल में वो फुर्ती नहीं है। बच्चों को चिट्ठी लिख दी है मैंने। क्यों, ऐसी भी क्या बात है? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? रमा, अभी रोज मुझको घर पे ही रहना पड़ेगा। 40-40 साल की नौकरी से आज मुझे विदाई लेनी पड़ी। ये घर भी खाली करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, पाठशाला ने तुम्हारी कोई कदर नहीं की। कदर और कानून की रहा है। सच्चे लोग अगर कदर करना चाहें, तो भी उसे कानून के सामने झुकना पड़ता है। मेरा आज निवृत्त होने का समय आ गया है रमा। ये भी कैसा कानून है जो इंसान का काम छुड़ा दे, इंसान की रोजी लूट ले। रमा, बड़े अगर कुर्सी पकड़ के बैठे रहेंगे तो युवकों को कैसे मौका मिलेगा?
पर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मानव के जीवन में कभी तो खास करके विश्राम लेने का समय आता है ना। हमारे बच्चे आएंगे और हमें ले जाएंगे। आपने बहुत इज्जत कमाई। कमाई नहीं, मैंने विद्या दान की है। आपने बच्चों को खत तो लिखा है ना? हाँ। बहुत सालों के बाद घर हरा भरा दिखेगा। मेरे लाडले आएंगे, शेखर आएगा, मेरी चारू, मेरी बेटी। दुल्हन के जोड़े में ही विधवा हो गई। अब कैसे हाल में होगी, कैसे हाल में होगी मेरी बच्ची? धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। जो विधाता ने सोचा वही होके रहेगा। दीनानाथ जी के मान सम्मान में आए हुए सभी जन को और विदाई समारोह अनुष्ठान के लिए यहाँ आए हुए सभी भूतपूर्व विद्यार्थी और ये कानपुर के उद्योगपति शेठ श्री विजय कुमार के दीपक जैसे सोने पे सुहागा ला रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ आकर वो कुछ दो शब्द बोले, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। दीनानाथ भाई जी की इतनी सेवाओं के बदले में इस गांव की पाठशाला, इनके लगन, इनकी मेहनत का कोई मोल नहीं, ये तो अनमोल है। मगर फूल नहीं तो फूल की पत्तियां ही सही। मास्टर जी को अर्पण करने के लिए शेठ श्री विजयनाथ जी को विनती करता हूं। मेरा शरीर इस गांव की धूल और मिट्टी से बनी है, मगर मेरा भविष्य तो मास्टर दीनानाथ जी ने बनाया है। एक गरीब गांव का लड़का आज जो कुछ भी बना हूं, इसका यश सिर्फ मास्टर जी को जाता है। एक प्रामाणिक शिक्षक की जिंदगी भी कितना विचित्र होता है और कठिन होता है। इनके हाथ के नीचे तैयार हुए विद्यार्थी, कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर, कोई धनपति व्यापारी तो कोई उद्योगपति, मगर एक शिक्षक शिक्षक ही रहता है। मास्टर दीनानाथ जी की निस्वार्थ सेवा के सामने मेरा सर झुका जा रहा है। दीनानाथ के जैसे महामानव की हाजिरी में मैं अब कहूँ तो क्या कहूँ, मगर यहाँ बिताए हुए मेरे विद्यार्थी जीवन की याद में पाठशाला को मेरी तरफ से 50,000 रुपये का उपहार देना चाहता हूँ। वाह वाह, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे छोटे, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों नहीं बोलूं? अरे धीरे धीरे। अरे इसने तो 50,000 रुपए का दान दिया है। अरे भले ही आज बड़ा आदमी बन गया हो, बचपन में लंगोटी पहन के गोटी खेलता था। गोटी। आप सबने मुझे इंसान से भगवान बना दिया। मैंने तो यथाशक्ति अपनी फर्ज निभाई है। जिस पाठशाला की छत के नीचे बरसों बीता है वहां रख के कुछ नहीं जाता, पर लेके जाता आपकी यादें। ये पाठशाला मेरे जीवन का एक अंग बन चुकी थी। जिन बच्चों के साथ हृदय मिल गया था उन्हें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हाँ, पाठशाला पे जा रहा हूँ। याद नहीं? आज से पाठशाला नहीं जाना। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। अभी तो पाठशाला एक सपना बन गया है। फिर भी वहां तक एक चक्कर काट के आता हूँ।
माँ जी। कौन विजय? आओ बेटा आओ, हम गरीब के घर आओ, बैठो। नहीं माँ जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं किसी काम से अहमदाबाद जा रहा हूँ। पर बैठो तो सही। माँ जी, मैं आपके पास एक बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप वचन दीजिए कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पर है क्या? मास्टर साहब का जीवन का मूल्य मुझे पता है, मुझे पता है पूरी जिंदगी में इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। आधार के रूप में भगवान ने मुझे दो बेटे दिए हैं। ये बात तो सच है, मगर मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? माँ जी ये लीजिए, रख लीजिए, इसको अस्वीकार करके मेरा दिल मत तोड़िएगा प्लीज। पर ये है क्या विजय? कुछ नहीं, सर जी ने जो मुझे शिक्षा दी है उसके आगे ये कुछ नहीं। विजय, विजय मेरी बात तो सुनो, विजय विजय सुनो तो जरा। रमा ये क्या है? रुपए 25,000 है, पूरे 25,000। इसमें से नयन के घर में जब झूला झूलेगा तब उसके बेटे को सोने का कंगन पहनाऊंगी। बेचारी निशा को हमने आज तक तो कुछ नहीं दिया, इसमें से उसको गहने बनाऊंगी और मेरे शेखर की धूमधाम से शादी कराऊंगी। और मेरी आज तक कमाई हुई इज्जत पे पानी फेरेगी, ऐसा ही ना? कौन विजय दे गया ये रुपए? हाँ, इसलिए वो मुझसे नजर नहीं मिला पा। कहाँ गया वो? ये तो मोटर से अहमदाबाद जाने की बात कह रहा था। रमा ये तूने क्या किया? गरीबी में जीवन बिताने के बाद भी आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया, और अब जब मेरा एक पाँव चीता में है तब ये पैसा लेके मैं? नहीं रमा, नहीं रमा, दे ये पैसे। पर उसने तो कितने प्यार से दिए थे ये पैसे, अब किसे देने जा रहे हो? पाठशाला, मैंने विजय के लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले पाठशाला ने मुझे पगार दी है, इस पैसे पे हमारा हक नहीं है, पाठशाला का है। बहना मास्टर जी घर पे नहीं है? नहीं, दौड़ भाग में पड़े हैं। दौड़ भाग में? अरे रिटायर होने के बाद में टायर्ड होने की क्या जरूरत है, कौन सी दौड़ भाग में पड़े हुए हैं? क्या करूं? वो विजय बेचारा मुझे 25,000 रुपए देकर गया था, तुम्हारे जीजा जी मुझे डांट पोट कर वही पैसे पाठशाला में देने गए हैं। एक तो किसी और का आसरा रहा नहीं, और ऊपर से बहना रो मत, बहना तू कहना तो मैं अपने रुपए लेकर आ जाऊं। नहीं भाई, तुम्हारे पैसे मेरे किस काम के? तेरा मेरा कह रहे मैं तुझसे अलग हूँ क्या? अरे अपने बाप दादा जो छोड़कर गए ना माल संपत्ति, उसमें हम दोनों का हक है, और बिन माँ बाप के इस बच्चे को बालपन से मास्टर साहब के सहारे ही तो पलकर बड़ा हुआ हूँ, ये नहीं होते तो मेरा क्या होता? छोटू आज चारू आने वाली है, तुम्हारे जीजा को तो याद नहीं रहेगा स्टेशन जाने के लिए, तुम अभी से स्टेशन चले जाओ। स्टेशन में देखना बहन, अपने गाँव में गाड़ी कभी टाइम से आया है? अगर टाइम से गाड़ी आ गई तो समझो ये कल की गाड़ी आ गई है। तुम जाओ ना अभी। हाँ। और सुनो, रास्ते में किसी का भला करने के लिए नहीं बैठना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, तो क्या है ना वहाँ जाकर स्टेशन मास्टर से गपशप करूँगा, अगर गपशप में फंस गया तो गाड़ी सिग्नल में खड़ी खड़ी थक जाएगी, समझ गई ना? तुम जाओ। हाँ, ये पैसे आप स्कूल को दे रहे हैं इसमें आपकी महानता है, और दीनानाथ जी जिंदगी में इतना आदर्शपन सही नहीं है, अपने बारे में भी सोचिए कुछ। लालच का आंगन बहुत फिसलने वाला होता है साहब, मैंने आज तक अपने पांव औलाद बना के खड़े रखे हैं, अब जीवन की अंतिम घड़ी में फिसल के क्या करूं? काशी ही ले, पटना ही ले, कलकत्ता ही ले ला रे जब से। ओ मामा, कौन? ओ छोटू मामा, कौन बुला रहा है मुझे? पीछे से टोक रहा है, गांव को बुला रहा है पूरा। अरे जमुना दास, अरे कैसा चल रहा है तुम्हारा रामलीला नाटक कंपनी? अरे क्या बात करो भाई साहब, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। हाँ बोल बोल, क्यों क्या बात करो भाई साहब? कौन सी बात? नहीं नहीं,
मेरे राम की आवाज बैठ गई है और मेरे हनुमान का पांव मोच आ गया। हाँ, आप तो वैदिक इलाज जानते हो। अरे रुकना भाई, तू ऐसा बोलता है कि रावण का भी हार्ट फेल हो जाए। मैं बुड़बक नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ डॉक्टर। हाँ वो तो है ही, लेकिन आप मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ? बाजू के गांव रामपुर में। रामपुर? नहीं हाँ। नहीं, तेरे साथ मैं रामपुर गया तो मेरी बहन मुझे मार डालेगी। कलकत्ते से मेरी भांजी आ रही है, उसे स्टेशन लेने जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो मामा, आप कहाँ चले? गाड़ी तो 4 घंटे देरी से आएगी। अरे जा, जा। अरे पर मामा, मुझे मामू बना रहा है। नहीं नहीं, आपकी कसम, अब भी मेरे साथ में चलो, नहीं तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। रहने दे जमुना दास, मैं कभी किसी का खेल बिगड़ने नहीं देता, समझा? रावण मुंह सुझा के बैठा है, हनुमान उछल नहीं रहा है, तो रामलीला होगा कैसे? चल चल, सब ठीक बताओ, मैं चल चल तेरे नाटक कंपनी देखता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया हमारा लंकापति, कहाँ गया? कहाँ गया रावण? यहाँ आओ। क्या मामा को डरा रहा? ये हा? ये हा? ये है तुम्हारा रावण? ले ले ले, गट 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 पीछा। लेकिन आवाज तो मेरी खुल जाएगी ना? अरे क्या खिलाया है इसको तुमने? कौन सा कंपनी का कौन सा दल हुआ पड़ते हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब भटक लेगा, ये इसके लिए है। चल पीले गट गट गट, तेरा सब ठीक हो जाएगा, चल। अरे पर उसकी आवाज नहीं खुले तो? अगर खुल जाएगी तो मैं खुल जाऊंगा। नहीं खुलेगा, सब बंद हो जाएगा, साथ में कंपनी भी बंद हो जाएगा। और हनुमान, हनुमान कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बजरंग बले? इधर आओ, आओ आओ हनुमान आओ। ए गर्दुले बीड़ी पी रहा है, ये गर्दुले बीड़ी पी रहा है। ए, 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 फेक मत, मुझे दे, फेक मत। कौन से पैर में दर्द है तेरा? अरे मुझे कोई टांग वांग ठीक नहीं करवाना। ए, 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 बीड़ी पी, ए, बीड़ी पी। चंदा ये मर गया, हो गया, अल्लास हो गया, हो गया। मगर क्या हो गया? समय समय हो गया, खुल जाए पर्दा, खुल जाए। लेकिन तेरा आवाज ना खुल जाए। अरे तेरा पैर सब ठीक है तो नखरा काय को कर रहा था? वो तो जब मेरा पार्ट आएगा तभी पता चलेगा तुमको। पवन पुत्र कहाँ चले गए? संजीवनी बूटी के बिना मेरा भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, और हनुमान के सिवा संजीवनी लाएगा भी कौन? पवन पुत्र पवन वेग की तरह आओ, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? पवन पुत्र कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। हनुमान नहीं आएगा, 3-3 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिलती है, भूखा पेट कूद कूद कर हनुमान का आतड़ी सूख गया है। मान जा, नहीं तो तेरा पूछ निकाल दूंगा। अरे 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 पर्दा बंद करो, पर्दा बंद करो, अरे पर्दा गिरा दो, मर पकड़े मर। अरे टमाटर ला, टमाटर ला जल्दी जल्दी। मामा गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ लोगों ने? अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? आपकी दवा मामा, मामा। अच्छा अच्छा अच्छा, दवा देना है, दवा देना है। ए सरदार सुग्रीव, अरे मामा आ जाओ। मामू है? मामू हम्म, मामू 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 मामू। अरे कौन है मामू, कौन है मामू, अरे कौन है मामू? जो भी मुझे मिले कहता मुझे मामू, अरे जो भी मुझे मिले अरे कहता मुझे मामू। मामा मामा मामू, मामा मामा मामू, मामा 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 मामू। ओ आए हो भोज खाने तो मामू की भी मानो, तू दूध वाला शामू, तू मेरा घर का रामू। अरे जो भी मुझे देखे बोले मामू मामू मामू। मामा मामा मामू, मामा मामा मामू, मामा 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 मामू। अरे जो भी मुझे मिले कहता मुझे मामू, अरे जो भी मुझे मिले अरे कहता मुझे मामू। मामा मामा मामू, मामा मामा मामू, मामा 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 मामू।
नाम में है छोटू पर पेट मगर मोटू। अरे नाम भले हो छोटू पर पेट मगर है मोटू। अरे अंधा बहरा जो भी देखे सोचे मुझे खोटू, भूले से भी कोई मुझे ना समझे है निकम्मू। अरे जो भी मुझे मिले कहता मुझे मामू, अरे जो भी मुझे मिले अरे कहता मुझे मामू। नाटक के दुनिया का नमूना तो देख लो। अरे पर्दे के पीछे देखो कितने मुखौटे। मैंने गलती से अरे भूल गया, मैं तो गलती से कहा आ गया रे, कहा फंस गया रे, मैं का करूं रे, मैं का करूं रे, मैं का करूं रे। खाना पीना चल रहा है पगार बढ़ रहा है, ये हनुमान जी मुझे भारी पड़ रहा है। ना मैं कानो मामू, ना मैं मूलचंद मामू, ना मैं कंस मामू, ना मैं शकुनी मामू, फिर भी मुझे दुनिया करे सलाम। पर भाई पर मैं तो छोटू छोटू बिना मामी का मामू। अरे चारू, तुम्हारे ससुराल कलकत्ता में नौकर चाकर की वजह से तुम्हारी आदत छूट गई होगी काम करने की। जाओ बेटी बाहर जाओ। नहीं माँ, इसमें क्या, बड़ी तो मैं इसी घर में हुई हूँ ना। नहीं, खाना मैं पकाऊंगी, जाओ। पर माँ, मैं कहती हूँ ना, जाओ। ओए माँ। मैं हूँ। चारू, चारूडी तू आ गई। जाइए, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। काय करे, इतने सालों बाद आई और आप स्टेशन पर लेने के लिए नहीं आए। अरे तेरे छोटे मामा का जहान एक और जंजाल अनेक, बहन का हुक्म मान के तुझे लेने जा रहा था मैं स्टेशन, मगर गाड़ी तेरी 4 घंटा लेट। तो 4 घंटे बाद आते। अरे क्या करता मैं, तभी एक आदमी आकर टपक पड़ा। वहाँ बाजू के गाँव में रामलीला वाले आए थे और वहाँ रावण जी का आवाज बैठ गया और हनुमान जी का पैर टूट गया। उसमें आपका क्या? हाँ, तुझे खबर नहीं है ना, मैंने दवा दारू का धंधा शुरू किया है, आयुर्वेदिक दवाइयों का। रामलीला वाले के पास इतना पैसा तो है नहीं, इसलिए मैं गया, जाकर घी और दही दूध से इतना सेवा किया कि उसका सब ठीक हो गया बीमारी। रावण दहाड़ मार के उस गांव में और मैं टपक के इस गांव में। और हनुमान का क्या हुआ? अरे हनुमान का जबरदस्त किस्सा हो गया, हनुमान जी गुस्सा हो गए, माने ही नहीं, तो मैंने पूछ पकड़ कर उनके पीछे लटक गया लटक गया लटक गया, और उसके बाद और फट से पर्दा खुल गया और दर्शक ने मुझे देख लिया और सब बोलने लगे ये तो छोटू मामा छोटू मामा। हाँ, उसके बाद गाना ही चालू हो गया, छोटू मामा छोटू मामा छोटू मामा छोटू मामा। एक तो मेरी चारू को लेने नहीं गए और ऊपर से पूरी रामायण कह दी, ये निकालो। पहले बोलो आपने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, माफ किया, अब मेरे बेटे को लाने के लिए मत भूलना। नक्की अनाज वाले के यहाँ गए थे? हाँ बहन, जाके आया। और करसन काका के खेत पर जाके पाव लिखा के आना, मेरे शेखर को पाव बहुत अच्छा लगता है। आप जो बोलेंगे मैं उड़ उड़ के जाके लेके आऊंगा और आपकी आरती उतारूंगा। जय 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 जय। बस बस जाओ। और सुनो, वापस आओगे ना तब वो बड़े बैंगन लेकर आना, मेरे नैन को बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी जी। और खोटे सिक्के के जैसे वापस आना। अरे जा रहा हूँ मैं, लेकर आऊंगा जो जो तूने बोली है, तू चिंता काय करती है, बड़े 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 चल। जाते हो कि नहीं? छोटू सब तैयार नहीं होगा तो मेरे बच्चों को कैसा लगेगा? अरे बहना, अरे आपके दोनों बेटे अपने घर ही आ रहे हैं ना, मैं जंग लड़ने जैसी जल्दबाजी काय को करना। तेरा ऐसा स्वभाव देखकर मुझे लगता है कि जब हम चले जाएंगे
तब तुम्हारा क्या होगा? अकेला हो जाऊंगा, सब अधूरा अधूरा लगेगा। बहन तू मेरी चिंता मत कर बहन, अपने बच्चे आ रहे हैं इसमें इतना दीवानी मत हो जाना। 40-40 साल हो गए तूने बाहर पैर नहीं रखा। सच कह रहा हूँ बहन, बाहर की दुनिया ना बहुत बदल गई है। मतलब? बेटे ही तो आ रहे हैं घर पे, इसमें उतावली होने की क्या जरूरत है। तू तेल देख, उनकी आरती उतारने के लिए तेल देख, ये तू क्या बात लेकर बैठ गई? छोटू, घर यानी माथे पर छत, इसे घर नहीं कहते। घर यानी सब लोग हंसी खुशी इकट्ठा रहते हैं, उसे घर कहते हैं। नहीं उठेगा ये, नहीं उठेगा। जागो, झंडी हरी हो गई। इसके लिए तो ये बचाना ही पड़ेगा। कौन? साले छोटू राम। साला हूँ मैं, मगर सिर्फ मास्टर जी का। नलायक शांति से सोने क्यों नहीं देता? काम के वक्त सोएगा तू? इस गांव में दो दो मास्टर हैं। एक तो हमारे दीनानाथ मास्टर जी, जो काम करते हुए भी उनको रिटायर होना पड़ा। तू एक है जो स्टेशन मास्टर, तू क्यों सो रहा है अभी? अरे तू दिन धारे खर्राटे मारेगा तो गाड़ी कैसे आएगी स्टेशन पे? तुझे पता नहीं है आज मेरे भांजे लोग आ रहे हैं। भांजे आ रहे हैं तो गाड़ी का मैं टाइम पे तोड़ाऊ? गाड़ी तो तभी आएगी जब सिग्नल गिरेगा। मास्टर जी गिरा दो सिग्नल। कभी गाय भैंस बेवक्त दूध देती है? हाँ हाँ, तू तो सिंग मारता है, गाय भैंस तो दूध देती है। फिर भी तो सिग्नल भी गाड़ी आएगी तभी मिलेगा। जा गाड़ी लेट है। अरे लेट है मगर कितना लेट है? मैं कब आऊँ? इंजन की आवाज सुन के आना। अरे मेरा झंडा। मास्टर जी हैं क्या? नहीं, बाहर गए हैं। ठीक है, चलता हूँ। क्यों, कुछ खास काम था? हाँ बहन जी, थोड़े दिन के बाद मेरी SLC की परीक्षा शुरू हो रही है। संस्कृत में थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए सर जी होते तो। तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश। आओ भाई अंदर आ जाओ। SSC के बाद क्या पढ़ना चाहते हो? आगे पढ़ना तो है, मगर बहन जी मेरे घर का पूरा दारोमदार मेरे ऊपर ही है। अगर मैं इस बार पास हो गया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये उम्र में नौकरी? तुम पिताजी के पास ट्यूशन पढ़ते हो? ट्यूशन ये हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर पिताजी तुम्हें बेटा समझकर पढ़ाते हैं। दीदी आपके पिताजी इंसान नहीं है, भगवान है, भगवान। ठीक है दीदी, बाद में आता हूँ। चारू बेटा क्या सोच रही है? कुछ नहीं पिताजी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ले ये तेरी माँ को दे। और हाँ, कोई आया था क्या? सुरेश नाम का एक विद्यार्थी आया था। ओह, हंसने और खेलने कूदने के उम्र में कितना परेशान था बेचारा। चारू बेबसी तो इस देश के मध्यम वर्ग को तोहफे में मिली है, और ऐसी तो आदत पड़ गई है कि इंसान छोटे से बादल को ही छाया समझने लगता है। तूने उसे निकाल तो नहीं दिया ना बेटे? पिताजी। चारू तू इतने बड़े खानदान में रह रही है जहाँ शायद गरीब को रोगी मानने में आता हो। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल वालों की एक चैरिटी ट्रस्ट चलती है। मैं सुरेश के आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और वैसे उसके माँ के भरण पोषण के लिए पैसे देने की सोच रही थी। सुखी रहे बेटा, जीवन में ऐसे ही कार्य करती रही। शायद मेरे हृदय की धड़कन ऐसी दुआओं से ही चलती होगी। माँ, देखो चारू पेटी अच्छे से भर दी है ना? हाँ, एक तरफ तुम्हारे बापू के कपड़े और दूसरी तरफ मेरे कपड़े, पर माँ एक ही बेटी। ये तो हमारा पूरा संसार है बेटी। 40 साल पहले तेरे पिताजी के साथ यही पेटी लेके इस गांव में आई थी। तब से आज तक हम लोग कभी भी अलग नहीं हुए। उसके बाद दूसरी दूसरी पेटियों का विचार भी किया। 40 बरस में तुम और पिताजी एक बार भी अलग नहीं हुए? नहीं बेटी, इसलिए गांव के लोग आप लोगों को आदर्श जोड़ी कहते हैं। तुम्हारे पिताजी के फैलाए हुए खुशबू के सहारे
हम लोग हंसते खेलते इस संसार को पार कर गए हैं। अब पोता पोती का मुंह देखूंगी, इससे बाकी का जीवन तुम सबका सुख देख के पूरा हो जाएगा। माँ एक बात कहूँ, सुख की फरमाइश बहुत लंबी होती है, वो जब टूट जाती है उसके साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। इसमें टूट जाए से कौन से शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया? आधार का इस्तेमाल। माँ आप तो 40 साल में कभी गांव से बाहर नहीं पड़े, इसलिए शायद ख्याल नहीं आया, पर आज संजोग देखो बाहर की दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। तुम किसके साथ रहने वाली हो माँ? देखा जाए तो छोटे बेटे के साथ रहना चाहिए, उसके बाद भाइयों की मर्जी, जो ले जाएगा उनके साथ रहेंगे। सुरेश जी, कोई समस्या आए तो बाद में आना। माँ मैं अभी आई। तुम्हारे परिणाम जब आएंगे तब मुझे खत लिखना। तुम आगे पढ़ना चाहते हो ना? चाहता तो हूँ, लेकिन दीदी मेरी माँ अब इतना काम कर सके ऐसी स्थिति में नहीं है। तुम्हारे में पढ़ने की चाहत होगी तो तुम्हारे घर और पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। जी आप दीदी। चारू बेटा, मैंने भले ही जीवन में कुछ बचाया ना हो, पर आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ खोया भी नहीं है। जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुमने संभाल के रखे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। मेरी संतान मेरे संस्कार दिखा रही है। चलो चलो चलो। अरे बहन देखो देखो कौन आ गए। कैसे हो बापू? कैसे हो माँ? अरे चारू कैसी है? अच्छी हूँ। क्या बात है, शहर जाकर होलसेल में सुधर गए क्या? माँ बाप के पैर पड़ने को भारी लग रहा है। अरे पैर तो पड़ो, पैर तो पड़ो। तुम थके हारे आयोगे, हाथ मुंह धो लो। हाँ भाई चलो आओ, चलो चलो आओ छोटू, तुम भी आओ। अरे शेखर ये क्या, तूने ये सिगरेट कब से चालू की? बहुत पहले से। क्यों? बापू को पता चलेगा तो? तुम लोगे? नहीं, मिडिल क्लास को ये सब शौक नहीं पलते। इससे शौक कहते हो तुम भाई? क्या ये जिंदगी के लिए जरूरी है? शेखर तुम्हारी बोली, तुम्हारा बर्ताव बहुत बदल गया है। बोली नहीं जमाना ही बदल गया चारू। शेखर तेरे आखिरी लेटर के हिसाब से तूने नौकरी छोड़ दी थी ना, तो फिर करता क्या है? बिजनेस। बिजनेस? पर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बड़े भैया दिल्ली में जो लेन देन का धंधा करता हूँ इसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ये समझ में नहीं आता पिताजी ने मुझे पत्र लिखकर यहाँ किस लिए बुलाए हैं। माँ बाप है, उनका भी तो मन होगा ना अपने बच्चों का मुँह देखने का। ये मिलने मिलाने के चक्कर में मेरे 1000 रुपए उड़ गए, उसका क्या? हो सकता है बापू ने हमें कुछ दूसरे कारण से बुलाया हो। किसी और कारण से? पिताजी रिटायर हो गए ना, इसलिए कोई विल के लिए बुलाए होंगे शायद। किसका विल? पिताजी का विल, और किसका विल? पिताजी यहाँ 40-40 साल से नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत माल तो अंदर किया होगा ना। शेखर बापू ने तेरे जैसा लेन देन का धंधा नहीं किया है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। अच्छा बाबा थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया बस। 400 रुपए के पगार में पिताजी ने हमें पढ़ाया, शादी कराई, घर बसाया, ये सब करने के बाद कम से कम 2 लाख रुपए तो उन्होंने बचाए होंगे, है ना? चारू बापू के पास आगे के लिए शायद कुछ बचा ना हो, इसीलिए उसने अपने को बुलाया होगा। बहुत बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। अरे माँ आपके हाथ का खाना तो एकदम स्वादिष्ट बनता है, क्यों शेखर? हाँ 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 बैठो बच्चों बैठो। बड़े भैया शेखर तुम लोग दोनों हाजिर हो तो हम लोग पिताजी के परेशानी का हल निकालेंगे। तो क्या यहाँ पिताजी का होलसेल नीलामी होने वाला है क्या? शेखर जो मन में आए वो बोलता है। तुम्हारे पिताजी और भंगार, एक भगवान जैसे इंसान के लिए ऐसे बातें करते हुए शर्म नहीं आती?
शेखर को अपने जीवन में ऐसे ही सोचने की आदत हो गई है, इसलिए उसे ऐसे ही विचार आएंगे। बेटा शेखर, इसमें रैकेट और कबाड़ा जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बुलाने के पीछे दो ही कारण थे। एक तो हमने बहुत साल से तुमको देखा नहीं था, और दूसरा कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? रुक क्यों गए, बोलो ना। बच्चे, बचपन बेफिक्रा होता है, जवानी एक लड़ाई होती है, और बुढ़ापा यानी कमजोरी, लाचारी, मजबूरी। हम दोनों ने पहला दो पड़ाव तो पार कर लिया, पर तीसरा तबक्का हमें सता रहा है। आप तो जानते हो कि उम्र के कारण मुझे नौकरी से निकाला गया है। प्रोविडेंट फंड में जो आशा थी उसमें से तो लोन लेके चारों की शादी की। अब तो मेरी हालत सुदामा की पोटली जैसी है, जो खोलोगे तो मुट्ठी भर चावल निकलेंगे। यानी बापू? नयन, इतने सालों से हमने कैसे बिताए ये हमारा मन ही जानता है। महीना लंबा और तुम्हारे पिताजी की पगार छोटी, फिर भी जैसे तैसे करके हमने दो तार को जोड़ के रखा है। मगर आप लोग हमसे क्या आशा रखते हो? शेखर, इस समय में ऐसी बातें नहीं करते। देखो शेखर, इतने जतन से हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उतने ही प्यार से हमें तुम्हारे साथ रखने का तुम्हारा फर्ज है बेटा। ये कहने तुम्हारे पिताजी के लिए संकोच हो रहा था। लेकिन माँ। पर क्या माँ, ये जानना चाहता है 40 वर्ष की नौकरी में पिताजी ने कुछ नहीं बचाया? की है बेटा, बहुत बड़ी बचत की है। 40-40 सालों के बीच में मैंने अपनी प्रामाणिकता बचा के रखी है। देखो अगर आज वो बचत गिनी जाती हो तो। बापू, कर्तव्य निभाने से पहले आपको आज की परिस्थिति का विचार करना चाहिए। मैं मेरी बात कहूँ, मुंबई की एक चौल की खोली में रहता हूँ। जो कुछ पगार मिलती है उससे मेरा और निशा का संसार महामुश्किली से चलता है। वही कारण से तो हमने बच्चे का सोचा भी नहीं। अभी आप ही बताइए, इसमें मैं क्या करूँ? ऐसा कीजिए, हम दोनों मिलके आपको थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे महीने में, जिससे आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। राहत तो बेटा इंसानों से इंसानों को मिलती है, पैसों से नहीं। हमारी उम्र में तो इंसान अपनों से ही प्यार मांगता है। तुम्हें अगर भेजना है तो भेजो, वरना रहने दो, नहीं तो हम लोग छोटू के दया पर जी लेंगे। आखिरी जिंदगी में साले की दया पे जीना, इससे तो बेहतर। किसने कहा कि आप लोग मेरी दया पे जी रहे हो? नानका, नयन, एक साले का दया की क्या बात है इसमें? मास्टर साहब के मुंह से मैंने कभी भी ऐसी बातें तो नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो हम लोग तय कर रहे थे कि अब हम लोग कहाँ और किसके साथ रहेंगे। तो अब ये दो भाई क्या कह रहे हैं? एक के घर में जगह नहीं और दूसरे के दिल में। चारू, मेरा बस चले तो मैं माँ पिताजी को अपने घर कलकत्ता ले चलूं, पर जो साले के सहारे से रहना नहीं चाहते वो बेटी के ससुराल में कैसे रहेंगे? साले के सहारे? बालकपन से बिन माँ बाप के बच्चे को इन्होंने ही तो माँ बाप का फर्ज निभाया है, और आज ये गैर हो गया। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं मामा, मेरा कोई स्थायी जगह नहीं है, कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। ये कहीं भी रहे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर शेखर, मेरी वो तैयारी नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे संसार की गाड़ी भी रुक रुक के चल रही है। हाँ, दूसरे के साथ तीसरी थाली मिल जाएगी, पर माँ और बाबूजी दोनों को साथ में रखने की मेरी ताकत नहीं है। ठीक ठीक है भाई। तो फिर एक काम करो, तुम पिताजी को ले जाओ, मैं माँ को लेके जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ निकाला तुम लोगों ने। इन दोनों ने मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, और तुमने ये उपाय सोचा।
मैंने तो माँ बाप के मरने के बाद जमीन जायदाद का बंटवारा होते हुए देखा है, मगर जीते जी माँ बाप का बंटवारा होते हुए मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जाओ ले जाओ माँ बाप का बंटवारा करके, मेरा क्या अधिकार है इनके ऊपर। मैं गैर होते हुए भी इन दोनों को कभी अलग होते हुए नहीं देख सका, मगर तुम दोनों तो इनके बच्चे हो, अलग कर रहे हो इन्हें। कर दो इन दोनों को अलग, कर दो अलग इन दोनों को, अलग कर दो। आप थोड़ी देर रुको, मैं रामदास के यहाँ पे भजन में जाके आता हूँ। उसके वहाँ बेटा जन्मे, इसके लिए उसने मन्नत की है। वो बेचारा तो यही जानता है कि बेटों के बगैर वंश नहीं चलता। रमा लकड़ी दे। क्यों छड़ी? अभी बाकी की जिंदगी इसी लकड़ी के सहारे निकालनी है। हो जी रे दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था। सबके लिए तुम सीख थे सुंदर सुगल, तुम जोड़ा थे दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था। चुन चुन के दाना दुन का, चुन चुन के दाना दुन का तुमने सींचा सबको, एक धागे में पिरोया ओ संसार के दुख को झेलते, सब को सुखी तूने रखा। नसीब ने ऐसा रंग दिखाया, भाग दौड़ में बीते सब दिन, दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था। आँखों के दो तारे देखो, पंख लगते ही उड़ गए, आँखों के दो तारे देखो, पंख लगते ही उड़ गए। हे जिसने जन्म दिया उस मात पिता को, आई संकट पार, सुना पड़ा है गाँव सारा, कहाँ उनकी झलक मैं पाऊँ। दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था। कोई यहाँ उड़ा कोई वहाँ उड़ा,
को दुखी करके अपने जिगर के छल्लों से बिछड़ने का समय आया है। अपने बच्चों से बिछड़ के कैसे जी पाएंगे हम माँ बाप। दो पंछियों का एक जोड़ा था, दो पंछियों का एक जोड़ा था, सबके लिए तुम सीख थे सुंदर सुगल तुम जोड़ा थे। दो पंछी बिछड़ गए हाय राम, दो पंछी बिछड़ गए हाय राम। रुक जाओ बेटी, जब तक मैं दहलीज की पूजा ना कर लूं तब तक अंदर मत जाना। What? पूजा कर लो। अरे आने दो ना अंदर, वहाँ पर क्यों रुका के रखे हो? पूजा किए बगैर दहलीज नहीं लांघते, जाओ बेटी। ओह हेल। हाय शेखर डार्लिंग। हाय। देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। अरे फ्लावर से ज्यादा तो तू सुंदर है मिले। कौन है ये बुड्ढी? मेरी माँ है, गांव में भूखी मर रही थी इसलिए लेकर आ गया मैं। चलो तुम्हारे मूर्ति महल का खर्चा बच गया। पर लगती है पुरानी ख्यालों की है। हाँ पूजा पाठ को ज्यादा ही करती है। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये दुनिया में अमीर बनना है तो पापी बनना पड़ता है अपनी तरह। सोने के बिस्किट का क्या हुआ? क्यों? पुलिस का डर लगता है? छोड़, पुलिस से कौन डरता है, मुझे तो डर है अपने हरीफ शेर सिंह का जो हमारे राज को पुलिस तक पहुंचा सकता है। हाँ? मदन तू यहाँ क्या कर रहा है? जूता साफ कर रहा हूं। शेखर इस मदन पर मुझे भरोसा नहीं। ये हमारा बहुत भरोसे वाला है, कई बार इसने मेरी जान बचाई है। चलो तुम इसकी फिक्र मत करो। सर हाँ? मैं बर्तन कपड़े करके मुझे मीटिंग में जाना है, आप नहा डालो। नहा डालो नहीं बोलते, नहा लो बोलते। पर तुझे किस मीटिंग में जाना है? यूनियन की। अरे हमारे नौकर बाटी की। ओहो तो नहाना ही पड़ेगा। सेठ हाँ? बाबूजी नहा लिए? तू तो जानता है कि सुबह उठ के जल्दी वो दर्शन के लिए जाते। सेठ एक बात कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात मगर माफ कीजिएगा, मगर सच कहूँ तो आपके पिताजी देवता हैं, इनका आशीर्वाद पा सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मधु। अरे ओ मधु। जी भाभी। तू मोती के यहाँ से गेहूं ले आया? अरे मैं तो भूल ही गया। मुझे पता था। नहीं नहीं लेकर आना नहीं भूला, आपको बताना भूल गया। वो रास्ते पर बनिया है ना, उसने मुझे कहा राशन उधारी नहीं मिलेगा, रोकड़ा देना पड़ेगा। रोकड़े? महीने के आखिरी तारीख पे रोकड़ा? ठीक है भाभी, आज सारा काम जल्दी जल्दी कर लेंगे, मुझे यूनियन की मीटिंग में जाना है। यूनियन की मीटिंग में? मतलब
आप लोग भी ज्यादा पैसे मांगोगे? हाँ हाँ। चलो, गरीबी में आटा पतला। ऐसा मत कहिए भाभी जी, आप मुझे 20 रुपए पगार देती हो, पर आप ही बताइए, मैं सुबह 8 बजे से रात के 11-11 बजे तक 3 घर का काम करता हूँ, मगर 100 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। मेरे साथ माँ है, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाभी माँ, अब आप ही बताइए, इतने में मैं घर कैसे चला पाऊंगा? तुम्हारी बात सच है मधु। अरे हाँ, बाबूजी का राशन कार्ड मिला? नहीं मधु, बढ़ोतरी को रेशन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। कमाल है ये तो, इन लोग का अक्कल घास से नहीं गया क्या? मैं आपको कहूँ भाभी माँ, माँ बाप बूढ़े होने के बाद छोकरे के घर में नहीं जाएंगे तो क्या पार्लियामेंट में जाएंगे? कसम खाता हूँ भाभी माँ, आज ये बात मैं यूनियन में रखूंगा। हाँ, नयन, तुम्हारे पास से 20-1 रुपए मिलेंगे? 20 रुपए? अरे निशा, महीने के आखिरी दिनों में मैं 20 रुपए कहाँ से लाऊं? तू तो जानती है कि रेलवे पास और चाय के पैसे छोड़ के बाकी का पगार मैं तुझे दे देता हूँ, पर ये अचानक 20 रुपए का क्या काम है? क्या करूँ, मोती ने गेहूं के पैसे रोकड़े मांगे हैं। अभी क्या करे? अब क्या, पिताजी को भूखा थोड़ी रखेंगे। निशा, अगले महीने तेरा जन्मदिन है, उस दिन के तुझे साड़ी देने के लिए जमा करते हुए 30 रुपए बचाए, कहती हो तो दे देता हूँ। हाँ, मुझे साड़ी के बगैर चल जाएगा। तो ठीक है, कबाट में मेरे खाने में रखे, ले लेना। पिताजी, दर्शन कराए? हाँ बेटा। आज ही तो किए दर्शन, दो महंगी मूर्तियों के। सज्जन, गुड मॉर्निंग। क्या मुजरा का प्रोग्राम हो रहा है? कहाँ कहाँ? अरे तूने तो मुझे तकलीफ में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, मेरे घर में मेरे गांव के एक दूर के रिश्तेदार आई हुई है रसोई करने के लिए। क्या कहा? मुजरा भाई मुन्नी भाई के साथ में माल खरीदने वाले पार्टी भी आ रहे हैं। कितने का? शाबाश सज्जन, इस दुनिया में दुर्जन बनोगे तभी करोड़पति बनोगे। ले आओ। लिंबू सरबत। तू यहाँ कब से खड़ा है? अभी आया सर। पिताजी, क्या है बेटा? ये क्या, माँ को लिखे ये पत्र आपने पोस्ट नहीं किए? बस चिट्ठी लिख के संतोष मान लेता हूँ। नहीं बेटा, आप लोगों की इतनी तंगी चलती है ऊपर से। पर पिताजी, आप अगर माँ के पत्रों का जवाब नहीं दो तो वहाँ माँ चिंता करेगी। अरे बेटा, हमारे मन तो इतने मिल गए हैं कि अगर मैं चिट्ठी लिख के यहाँ पे रखूं तो भी उसे वहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा। दो बेटी, चिट्ठियाँ दे दे, चिट्ठियाँ दे दे। Thank you.
तेरे
घड़ी भी अब दगा दे रही है, इसे अभी रिपेयर में देना ही पड़ेगा। नयन बेटा, जब तक तेरी ये घड़ी रिपेयर होके ना आए तब तक ये मेरी घड़ी है। आज के जमाने के हिसाब से तो ये पुरानी है, पर समय में जरा भी धोखा नहीं देगी। पर आप मुझे वक्त देख के क्या करना है? मेरा वक्त तो अब आ चुका है, नजदीक आ रहा है। तू ले जा बेटा, तुझे काम में आएगी। बापूजी, ये चेन वाली घड़ी तो आपको भेंट में मिली थी ना? हाँ नहीं, ये मुझे पाठशाला से तोहफे में मिली थी। बस तब से उस बीते हुए समय के साथ गर्व से चल रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये सही उपयोग में आ रही है। ठीक है बापू, अभी तो मैं इसे रख रहा हूँ, मेरी घड़ी रिपेयर होके आएगी तब आपको वापस दे दूंगा। तो मैं चलूँ? रुक जा बेटा, मुझे दहलीज की पूजा तो करने दो। ये क्या बेवकूफी है माँ, उस दिन उस लड़की को आने के लिए रोक रही थी, आज मुझे बाहर जाते हुए रोक रही है, ये सब लकीरें बनाने का क्या फायदा? ये लकीरें नहीं बेटा, ये तो पवित्रता का प्रतीक है, कि अंदर आने वाले को याद दिलाता है कि दारू का अड्डा नहीं, कि तवाफ का कोठा नहीं। Shut up! It's all your foolish fact. These are not foolish fact, my son. This is code of conduct. तुम्हें इंग्लिश आती है? तुम्हारे पिताजी ने जो इतने सारे विद्यार्थी बनाए, तो क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा सकते? उन्होंने मुझे अंग्रेजी की अच्छे से अच्छे तालीम दी है, अच्छे से अच्छे किताबें पढ़ाई है, समझ गए? पर शायद एक किताब पढ़ाना तो भूल ही गए। क्या बाबूजी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अरे हाँ, आपको राशन कार्ड मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कोई वांदा नहीं, मुझे इसके लिए यूनियन में बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर होगा नहीं। बहन जी, बर्तन कपड़े तैयार है ना? तैयार तो है मधु, पर माधव मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्यों, किसी का हाथ पैर तोड़वाना है क्या? मुझे कराटे आता है, पूरा भुक्का कर डालूंगा। हाँ नहीं मधु, पर मधु अगले महीने से तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। ऐसा नहीं चलेगा बहन जी, मैंने थोड़ा ज्यादा पगार मांगा इसलिए आप नया नौकर रख रहे हैं क्या? तो फिर मैं यूनियन को यहीं ले आऊंगा। भाई मातु, वो आदमी नया नहीं है, वो तो गांव से आया है। कौन है साला, पूरा भुक्का कर डालूंगा, बताओ कौन है? मैं हूँ भाई, और कोई नहीं। आप बाबूजी, माफ करिएगा बाबूजी, गुस्से में मैं क्या क्या कह गया, मगर बाबूजी आप अगर मेरे पीठ में लात मारेंगे तो मैं सहन कर लूंगा, मगर कोई मेरे पेट में लात मारे तो मैं क्या करूं बाबूजी? उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ ना, मुझसे भी बात छुपाओगे? निशा, जिसका नसीब दो कदम आगे हो उसे हर मोड़ पे मुश्किलें आती रहती है। बापू ने कितने प्यार से मुझे घड़ी वापरने के लिए दी थी, और उसका चेन आज टूट के कहीं खो गया। कहाँ? वही नहीं पता है, शायद ट्रेन में गिरी या कहीं और। और घड़ी? उस पे मेरा हाथ था इसलिए ये बच गई। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम पिताजी से कह देंगे कि चैन कट गई। कहना आसान है निशा, पर मानना बहुत मुश्किल है। आप ही कैसी बातें करते हो, क्या पिताजी तुम पर नाराज होंगे? शक करे उसमें तो सवाल ही नहीं है। पिताजी के लिए ऐसा सोचना ये भी अपराध है। और घड़ी की चेन खो देना ये क्या अपराध नहीं है? अरे निशा, बापू की जगह पे अगर मैं होता तो मुझे भी यही ख्याल आता कि आज तंगी में चेन बेच के आया। साला ये भी कोई जीवन है,
रोज उठ के एक नई मुसीबत। किस पे गुस्सा हो रहे हो बेटे? मेरे नसीब पे, हम सबकी तकदीर पे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बापू। पिताजी, आपने जो घड़ी इनको दी थी ना, उसकी जो चैन थी ना, वो चोरी हो गई। उसमें क्या हुआ? बहू, तू रो क्यों रही है? अरे चैन तो क्या, पूरी घड़ी भी गई होती तो क्या? बापू, मैं जानता हूँ कि आप इस घड़ी को इतिहास समझ के रख रहे थे। आपकी प्रामाणिकता का प्रतीक था ये, और आज पहले ही दिन मेरे हाथ से इसकी चेन टूट के खो गई। बेटा, होना था सो हो गया। ले जाने वाला शायद बेचारा शायद अपने से भी गरीब होगा। पिताजी, वक्त आते ही हम आपको नई चेन लाकर देंगे। पर मैंने कहाँ मांगी बेटा? पर वो तो आपकी पसंदीदा थी। बापू, ये अमानत अभी आप ही संभालिए। नहीं बेटे, तू रख। नहीं बापू। अरे तू रख बेटे। आप ही रखिए। हेलो, कौन? नितिन जी। हाँ, मैं शेखर बोल रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आपने सेवा के लिए याद किया। हाँ, बिस्किट चाहिए। कितना माल चाहिए? हाँ, कल माल पहुँच जाएगा। मौली आपको माल पहुँचा देगी बस। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या कहा नितिन जी ने? माल पहुंचाने वाली मौली भी माल है माल। तो फिर मैं भी दिखाऊंगी मेरा कमाल। मौली, उसे शीशे में उतार लेना, बहुत काम का आदमी है। तुम फिकर मत करना शेखर। मर गया। पिताजी संभाल के, क्या हुआ? अरे राशन के लाइन में खड़े खड़े गिर गए, रास्ते में गिरे पड़े थे, उठा कर लाया हूँ। पिताजी पैसे देखो। क्या हो रहा है पिताजी? पिताजी क्या हो रहा है? बेटा सुन, बेटा सुन, बेटा थोड़ा सा दुख रहा है। नैन का फोन करूं? नहीं नहीं, माधव जी, मैं यहाँ पे आया, तेरी नौकरी गई, उसके अलावा तूने दूसरे का काम छोड़ के। पिताजी आप ज्यादा मत बोलिए। मधु, मधु, तुम्हारे बहुत उपकार। लो भाई। बहन, आपने मुझे भाई कहा, फिर मैं बहन से पैसे कैसे ले सकता हूँ? मुझे आपने भाई कहा, यही मेरे लिए बस है। मैं आपका राशन ले आता हूँ। माधव भाई, आज आपने। बहन, मैं भले ही नौकर हूँ, मगर नमक हराम नहीं। माधव भाई, जरा डॉक्टर को भी बुला लाना। हाँ बहन, हाँ। नहीं 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 बेटे, नहीं बेटे, मैं तुम पे और बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। अभी मेरा आखिरी समय आ गया। मदन, देख तो कौन है। पूछे बगैर अंदर कैसे घुसा है? कौन हो आप? हेलो मिस्टर शेखर। क्या
क्यों, नहीं पहचाना? कौन? छोटू मामा, आप इस वेश में? ये क्या बात है ना, जैसा देश वैसा भेष। पर क्या कहते हो शेखर, मुझ पे ये ड्रेस फप रहा है ना? ऐसे अचानक? चिट्ठी तो लिख सकते थे। हाँ, मैं तुम्हें कागज लिखूंगा चिट्ठी, और तो जवाब में लिख देगा सॉरी, तो फिर मैं दिल्ली देखने से रह जाता ना, इसलिए बैग लेके पहुंच गया। मैं क्या कहता हूँ, बहन कहाँ है? बहन ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या मंदिर है? आपके काम का नहीं है शेखर, तू दारू पीता है? ये दारू नहीं, विस्की है मामा। मेरे धंधे में अलग अलग किस्म के इंसान से मिलना जुलना पड़ता है। इसलिए तू अलग अलग जात के चक्कर में अपने ही जात को भूल गया। ऊपर से कहता है दारू नहीं विस्की है, है तो शराब ही ना। पर ये दारू का लत तुझे लगा कैसे? ये लत नहीं लिज्जत है मामा। मेरे धंधे में लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। खिलाना पिलाना पड़ता है ये तो मुझे गाँव में बैठ के पता चलता है, मगर ये पीने की आदत तुझे कब से लग गई? और अगर पीना ही तो दूध पी दूध, और यहाँ दो चार भैंसों को बांध दो और मेरा भी धंधा चल निकले। बताइए यहाँ पर कितने दिन रहने का विचार है? बस ये शहर वालों को यही तकलीफ है, इंसान घर के अंदर एंटर हुआ नहीं कि पूछ लेते आपका जाने का प्रोग्राम कब है। ऐसे में खाली खाली जाने वाला नहीं हुआ, मुझे तेरे धंधे में भागीदारी चाहिए। हाँ मामा, भांजे एंड प्राइवेट सन्स। खैर, ऐसे ही घंटी कब से बजता जा रहा है। हाँ जी, हेलो। हाँ लो हिला। हाँ जी लो। अरे हिल रहा हूँ बाबा, कितना टाइम तक हिलूं? अरे कब से बोल रहा है हिलो हिलो, लो हिला। हाँ क्या कहा? पिए हेयर, पिए इधर भी, अपना ही भांजा है। हाँ हेलो। हाँ मैं शेखर बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वो गांव से नया नया आया है। ए? मैंने आपका चक्कर चलाया है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको फोन करके बताता हूँ। मामा की मौजूदगी में बात नहीं करेगा क्या? क्या मामा, आप भी? ये पीए था, पर्सनल असिस्टेंट, वो बहुत बड़े आदमी है। बड़ा इंसान है तो अपना पूरा नाम बोलना चाहिए ना, पीए पे बोल रहा है, इसमें मुझे क्या पता चलेगा? उसने कहा पीए इधर, तो मैंने कहा तू अकेला नहीं पी रहा है, पीए इधर भी। इसे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे क्या पता था, हिंदी में बात करूंगा मैं। दिमाग खराब कर दिया कब से। छोटू तुम? हाँ बहना, अभी अभी आया हूँ, आप कैसे हो? ये क्या, ये जोकर जैसे कपड़े पहनकर क्यों आए? अरे आप ही ने तो खुद चिट्ठी में लिखा था ना कि अपना शेखर को बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, तो मुझे लगा मैं लाट सा बनकर जाऊं। पर ऐसे बिना कुछ चिट्ठी लिखे हुए अचानक? सच कहूं बहना, तुम दोनों के बिना मुझे गांव में जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए। अच्छा तुम थके हुए आए हुए हो, चलो हाथ मुंह धो लो। सेठ के साथ सौदा हो गया? दोनों सौदे पट गए हैं डार्लिंग। उस बंदर को तो ऐसे नशा कराया है कि जब जब वो डुगडुगी बजाएगा तब तब ना छुटेगा। कम इन। वाह 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 वाह, क्या धन रेखा खोटी निकली, बड़ा सीधा रास्ता, क्या भाग्य उदय है। नमस्ते देवी। देख ले शेखर, असली छोटू मामा बन गया कि नहीं। कत्ते है जी, कत्ते है वो सांप, कत्ते है, कत्ते है जी, कत्ते है वो सांप, कत्ते है। क्यों, टैक्सी में मैं आया था ना, उसका किराया दिया ही नहीं अभी तक मैंने, इसलिए चिल्ला रहे हैं। रुक रुक मैं देखता हूँ। कत्ते जी, कौन कत्ते है वो सांप, कत्ते है। अरे क्या घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? की बोलिए तू। अरे अंदर काय को आता है? अरे अंदर नहीं आएगा तो कत्ते जाएगा जी। अरे साहब अंदर आया और मुझे कहा कि वो टैक्सी अथे रख जी, मैं पैसे लेके आया अभी, अभी सांप कत्ते है जी। अरे क्या इधर अंदर आया क्या? तो किथे जाएगा? अरे अंदर से कोई बाहर नहीं गया तो बाहर से अंदर कोई कैसे आएगा? किधर से आएगा? किधर से आएगा? इत्थे से आएगा जी। किधर से? इत्थे से, दरवाजे से। अरे स्टेशन नहीं, स्टेशन बोल। अरे उधर किराया भाड़ा बढ़ गया, कोई नहीं जाएगा, जाओ जाओ, माफ करो, माफ करो, जाओ। माफ करो? हाँ। तुम अन्ने भिखारी समझ रहे? अरे नहीं रे। हाँ भिखारी समझ ना, 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 ना। अरे मैं साडा हक दा पैसे मांगने आया हूँ, मेरा किराया कितने? अरे तू काय को घड़ी घड़ी मुझे पूछ रहा है कि सांप किधर है, सांप किधर है? की भी की नहीं, इधर आओ, इधर आओ, आओ। ये सांप थे नहीं? ओ महाराज,
सामने देखिए जी। अरे वो इधर उधर नहीं देखता। अरे ऐसे नहीं देखेगा तो कैसे देखेगा, पैसे दे दो जी। देखो ये है जी। नहीं जी ये तो नहीं है। नहीं, नहीं क्या नहीं। ये साहब था ओ मैंने बेवकूफ समझ रहा है। क्यों? अरे मुंडी अलग है और ये साहब अलग है और तू साहब कह रही है। अरे इसका इतना सर में बाल है, मुंडी मुंडी क्या को बोलता है। केंदार है ये साहब था। ये नहीं जी। नहीं ना। नहीं तो नहीं। फिर क्या ये साहब था। तू और टैक्सी में बैठेगा। अरे तेरी जिंदगी में कभी घोड़ा गाड़ी में बैठा है तू? ये सोच रहा है कि मुझे टैक्सी में बैठने का कोई औकात नहीं है, देता है जी। इधर साहब, दो साहब और मेम साहब है और कोई नहीं है। हाँ जी ठीक कह रहे। देखना है तो देखो, घूमो फिरो, आगे बढ़ो। घूमो फिरो? साड़ी टैक्सी का किराया कौन देगा जी? तू देगा? खुद की टैक्सी में किराया काहे का? ओ मैं भी पागल हो गया जी, मेरी टैक्सी का किराया मैं क्यों लूंगा जी? सही बोले तुसी। किथे गया सी कमबख्त, किथे गया सी? 12:30 फसा के चला गया जी। ये घर है, गाली नहीं बोलने का। गाली बोलने का है तो टैक्सी में जाकर बैठो। पता नहीं है साला फसा गया। हाँ हाँ साला, मगर मास्टर का किथे गया किथे? सरदार जी वो जो आदमी आया था हाँ। उसने पतलून पहना था। तो क्या ऐसे ही बैठा था मेरी टैक्सी में? हाँ। कोट पहना था? हाँ जी। और काला चश्मा पहना था? हाँ जी। और अंग्रेजी टोपी? हाँ जी करेक्ट। बस वो तो सामने के बंगले में रहता है। किथे? सामने के बंगले में? हाँ। अब पकड़ जाओ जी साले, मेरा भाड़ा खा गया। बाजू के बंगले में? अरे सामने गया कि बाजू में गया, तू नक्की करके बोले यार, मेरा भाड़ा बढ़ जाएगा। हाँ जी। हाँ तो बाजू के बंगले में। बाजू के बंगले पकड़ो। ओ महाराज सामने की बिल्डिंग में तो मेरा ससुर रह रही है। तो क्या हो गया? हा? ससुर ने लड़की दिया और किराया नहीं देगा, धिकार है। ठीक कहा जी। हा? तोड़ी गाल एकदम ठीक है। दो टांग फंसा दी मेरे ससुर ने। एक बार मुझे लड़की देके भगाया और दूसरी बार किराया खा के भगाया। मैं अभी जाके पकड़ता हूँ। अरे वाह मुंडे, तू तो साटा यार है। तूने मुझे बचा लिया, तू तो मारा साटा यार है। ओए ला ले दी जान। अब पगड़ा पके पकड़ते। ओए किथे गए तुसी? ये क्या मामा, आपने टैक्सी वाले को भाड़ा नहीं दिया? अरे मैं उसे रोकड़ा देता था अगर वो सीधे रास्ते ले आता तो। अरे ये सरदार तो मुझे ही मामू बना रहा था। मतलब? मगर बहन ने मुझे कागज में लिख दिया था, अपने शेखर का घर स्टेशन से बहुत पास है। और ये तो मुझे पूरा दिल्ली बताने निकल गया। पहले लेके गया चांदनी चौक, फिर लेके गया जंतर मंतर, फिर ले गया जुम्मा मस्जिद, और फिर ले गया लाल किला। तो मैंने भी सोचा बताता हूँ बेटा तुझे, मगर पहले टैक्सी वाले से कंफर्म कर लेना चाहिए था ना। मैं काहे का कंफर्म करूँ? इसका पेट्रोल, इसका गाड़ी, सब कुछ इसका, मैं काहे का कंफर्म करूँ? मुझे सीधे सीधे दिल्ली का रास्ता बता देता, इसने मेरा दिल क्यों तोड़ा? नयन और निशा की आर्थिक स्थिति देख के समझ में आ रहा है कि मैंने गरीब आदमी के कंधे पे बोझा रख दिया है। कभी तो सोचता हूँ कि मैं कहीं चला जाऊँ, शायद कुछ ऐसा कर दूँ। तो चिंता मत करना, बंदोबस्त होते ही तुम्हें बुला लूँगा। अब किसी का बोझ बन के नहीं रहना है। आपका दीनानाथ। शेखर तुम्हारे पिताजी की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना? आज मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। अरे खबर आए तो बोलूंगा ना मैं। कि तुम नहीं समझ पाओगे बेटा, ये तो उम्र का तकाजा है। 40-40 वर्ष के सहजीवन के बाद पति पत्नी को एक दूसरों की जरूरत की आदत पड़ जाती है। अरे ये बकवास बंद करोगी अब? निशा, आज तेरा जन्मदिन है और माता की अष्टमी भी। हाँ पिताजी। बहुत बहुत सुखी रहना बेटा। तुझे देने के लिए मेरे पास आज कुछ नहीं है। सुखी रहे बेटा।
पिताजी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। निशा, आज तुम्हारे जन्मदिन पे मुझे बहुत ही खुशी थी कि तेरी माला का जो पेंडल गिर गया था वो मैं तुझे आज दिला दूंगा, पर मुझे भी एक चीज लेने की इच्छा थी। क्या? पर जाने दो, बाद में लेंगे। चलो तो फिर आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ। क्यों? अपने मोहल्ले में गरबे का प्रोग्राम है, बहुत बिनती करके बुलाया है। हाँ? बेटी, गरबे का प्रोग्राम कैसे रहा? अच्छा था। अरे बापू, आज तो गरबा भी निशा नहीं गाया था। अच्छा? हाँ जी। आप दोनों जन बैठो। अरे बैठो, काम है तुमसे। बैठी बेटी, आज का तेरा जन्मदिन तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया।
पिताजी, पहले हमेशा छोटों की बारी रहती है। हम लोग ने भी आपके लिए कुछ लाया है। नहीं बेटा, जिंदगी में पहली बार तुझे कुछ दे रहा हूँ, पहल मुझे करने दे। जा तेरी माला लेके आ। तो माला? माला माला तो लाऊंगी पिताजी, पर पहले आपकी घड़ी तो दो। हम आपके लिए चेन लाए हैं। घड़ी? घड़ी तो देता हूँ, पर बेटा देख ये पेंडल देख, ये बुड्ढे को कुछ अक्कल तो है नहीं। ये तेरी माला में शोभेगा ना? जा जा जाके माला लेके आ बेटे। पिताजी, इतना महंगा पेंडेंट आपने कहाँ से लाया? समय संभालने के लिए समय बेच आया। यानी आप ये अपनी घड़ी बेच के पेंडल लाए? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी बेच दूँ तो कम है। बेटा माला लेके आओ। पिताजी, वही माला बेच के तो हम लोग ये चैन लाए हैं। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। बापू, मैं समय हमेशा कमजोर कर देता है इंसान को, क्यों करते हैं पता नहीं। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों बेटा? भले आज हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन आज अपने प्यार की पहचान तो हो गई। बेटा बहू को शांत कर, चल चल। छोटू? हाँ बहन। मुंबई से हमें कोई खबर नहीं आई, वो कैसे होंगे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो बहन, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। साहब का ये कोट धोने के लिए डाला था, उसमें से ये कागज। बहन, मास्टर जी का खत आ गया। छोटू पढ़ तो जरा क्या लिखा है। छोटू, बहन हमें आज ही मुंबई जाना पड़ेगा, चलो चलते।
हेलो, यस, मैं शेखर बोल रहा हूँ। क्या हुआ? बॉम्बे से ट्रंकल है? हाँ, लाइन दीजिए। हेलो हेलो, कौन? नैन भाई। हाँ, मैं शेखर बोल रहा हूँ, बोलो। बापू रातों रात कहीं चले गए? घर से भाग गए? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आए हैं। अरे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप नहीं कर सकते। तो ऐसा करो, अखबार में इश्तिहार दे दो। तुम क्या खबर दोगे? खो गया है बाप। अरे बच्चे खो ना जाए इसलिए माँ बाप डर डर के जीते हैं, मगर बाप खो जाए तो उसे खोजने के लिए अखबार का सहारा लेना पड़ता है नालायक बेटे को। खैर, मास्टर साहब का लिखा हुआ यह खत अगर तू छुपा के नहीं रखता तो ये परिस्थिति नहीं आती आज। आज तुम्हारे करतूतों की पूरी जानकारी मुझे पता चल गई है, पर तो पिताजी का सारा ठेका मैंने लेकर रखा है क्या? चलिए जल्दी हो से, हम लोग भी यहाँ रहना नहीं चाहते। चलो छोटू। Please. मेरी टिकट? आपका जेब कट गया यही ना? हाँ। काका, ऐसा बहाना करने वाले बहुत मिलते हैं यहाँ। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास दिल्ली का टिकट था। इस उम्र में आपको झूठ बोलने को शर्म नहीं आता? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसे ढोंगी को तो पुलिस को देना नहीं चाहिए। नहीं साहब, चलो फाइन दो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। एक भी पैसा नहीं है तो मुझे आपको पुलिस में देना पड़ेगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? हमारे यहाँ बच्चा यानी तू माँ बनने वाली है? हाँ नैन, अब हमारे घर पहला बच्चा होने वाला है। इस बात की आपको खुशी नहीं? खुशी? निशा, हम अपने बच्चे को फूल पत्तों में ना बड़ा कर सके तो कोई नहीं, पर उसके भरण पोषण और पढ़ाई का ठिकाना नहीं है। ऐसी जान को पैदा होने वाला खुद का नसीब साथ ले आता है। निशा, तेरी भावना मैं समझ सकता हूँ, पर अपनी अभी की परिस्थिति देखते हुए लगता है कि अपने घर में अभी बच्चा ना हो तो ही अपन पल सकते हैं। तू एक काम कर, तू कोई लेडी डॉक्टर को मिलके नहीं, नहीं,
निशा। पिताजी का मन नहीं था, अगर माँ यहाँ होती तो। नहीं 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 बहू। बेटी नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने सब सुन लिया है। अरे बेटा, तू किस लिए इतना चिंता कर रहा है? तेरा मामा अभी जिंदा है, यहाँ घर में इतना कष्ट आया है, इसके बारे में कुछ सोचना है? मास्टर साहब का कहीं खबर मिला? नहीं मामा, मुंबई पूरा ढूंढ लिया, सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे नहीं मिले। बहन तू रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा मास्टर जी को, तू चिंता मत कर। आइए, आपकी सजा पूरी हुई। बगैर टिकट के रेल में सफर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। ये लीजिए आपकी छड़ी। मन व्याकुल मन
क्या किया जाए रे, मन क्यों तड़पा जाए रे, जीवन में हाय दुख क्यों तड़पा, हाय रे कैसा ये दिन आया। मौली तेरी चालाकी से बहुत अच्छा सौदा पट गया है, बस अब तो मजे ही मजे हैं। थैंक यू शेखर, तुम्हारी माँ की बला तो टल गई, आज से मैं यहाँ पर ही रहूंगी। तुझे अब यहाँ से जाने भी कौन देगा। डार्लिंग, तुमने पेंटर को पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? थोड़े दिन में तैयार हो जाएगी, लखपति शेखर की ऑयल पेंटिंग। मौली हाँ, हमें अब किसी दिन अपने दोस्तों को पार्टी देनी चाहिए। हाँ श्योर डार्लिंग। अरे यार कब आएगी तेरी वो पेंटिंग? हाँ हाँ यार, इंतजार कर करके तो हमारे पैर दुख गए, बस आ ही रहा होगा। मैं वही स्टूडियो में फोन कर रहा था, पेंटर ने कहा है कि बस निकल गए हैं। अरे देखना तो ये है कि पेंटिंग अच्छा है या तू सच में अच्छा है। अभी जो अच्छा होगा वो सुंदर ही होगा, और जो सुंदर होगा वो अच्छा। ए माय स्वीट मौली। लो आ गई पेंटिंग। मैं अभी आई। खुशी मनाओ, ये तो पेंटिंग के बदले एक तुम्हारे घर का ग्रुप फोटो आ गया। आप लोगों को खबर देना चाहिए कि नहीं ऐसे अचानक? शेखर डर मत, हम तेरे घर पे रहने के लिए नहीं आए, बापू को ढूंढने के लिए आए। कुछ पता मिला बापू का? मुझे क्या पता, खो जाने वाले को खोज सकते हैं मगर भाग जाने वाले का क्या करें? शेखर अभी यहाँ से दफा हो जाओ, आप लोग देख नहीं रहे हो यहाँ पार्टी चल रहा है? देख रहा हूँ, मेरी अपनी आंखों से मेरे भाई की काली करतूत देख रहा हूँ। देख लेना। तो एक ग्लास तू भी पीता जा, शर्म नहीं आती है? अरे तेरी तो छोड़, मुझे ऐसे ही मुसीबत कम है जो इस काल कोठरी में आके हम बैठेंगे। चल लेन, हमें इस पाप के अड्डे में नहीं रहना। चल। अरे सर आपकी पेंटिंग आ गई है, ए चल ला रख दे अंदर पेंटिंग। इतना महंगा पेंटिंग तूने फेंक दिया बुड्ढा। जीवन भर मैंने बोझ के सिवा और कुछ नहीं उठाया, पर आज मुझे उसकी कीमत मिल गई। अरे आप, अरे बापू, अरे क्या हुआ बापू? मास्टर जी, बापू, मास्टर जी क्या हुआ? लगा तो नहीं बापू, पेट पे मारी हुई लात तो झेल सकते हैं, पर दिल पे लगी हुई ठेस सहनी बहुत मुश्किल है। नालायक, जिसके पैर छू के पूजने चाहिए उस आदमी को तूने अपने पापी पाँव से लात मारी, हट निकाल। ये तो आज की दुनिया का दस्तूर है, जिसको कंधे पे बिठा के दुनिया दिखाओ वो ही इंसान आज लात मारने से बाज नहीं आता। तेरे संस्कार शराब के प्याला में डूब गया शेखर, अब तो कुदरत तुझे लात मारेगी। सही बात है, कुदरत और कानून के सामने कोई नहीं टिक सका। खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो पूरे बंगले को घेर लिया गया है। मदन तू? मदन नहीं परंतु इंस्पेक्टर मदन लाल शर्मा। शेखर तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का भी पाप का गला भर चुका है। मदन इतने दिनों से यहाँ नौकर बनकर रहेंगे और अब? वैसे तो राजा हरिश्चंद्र को भी एक नीच के घर में नौकरी करनी पड़ गई थी। अरे मेम साहब
आपके माथे पे लिखा हुआ लकीर कह रहा था कि आप एक ना दिन बड़े घर में जरूर जाओगी, तो लो आ गए बड़े घर वाले। शेखर के साथियों पहले बाहर आ जाओ। शेखर, मौली, दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शेखर, पैसे की चमक दमक की आड़ में तूने लखपति बनने के लिए गलत रास्ता चुना, पर ये भूल गया कि गुनेगार की बुद्धि छोटी और कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मेरा अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ। बेटा कुपुत्र हो सकता है पर माँ बाप सौतेले नहीं हो सकते। बेटा जब भी वापस आना तो माँ बाप के घर पर जरूर आना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मोले मो शेखर, माँ, बापू, अभी तो आप दोनों हमारे साथ रहोगे। नहीं बेटे, जिंदगी की आखिरी घड़ी में हम दोनों अब साथ रहेंगे। एक निर्णय पे आया हूँ कि आज की दुनिया में कि आदमी को जिंदा रहना है तो अपने पाँव पे खड़ा होके जीना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, हम लोग दुखी सुखी सब साथ में रहेंगे पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते। बेटा, मैंने आपकी सेवा का बहुत लाभ उठाया है, अब इस मीठे रिश्ते को और खराब नहीं करना। आइए आइए, ये ओढ़ लीजिए। मन क्यों तड़पा जाए।